डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों के बारे में और उनके जीवन के बारे में हम समय समय पर बहुत कुछ सुनते रहते हैं। उनकी जिंदगी से संबंधित जानकारी और उपलब्धियां को जब जब युवा पीढ़ी पढ़ती या सुनती रहेगी, उनके जीवन में अनोखा बदलाव आना निश्चित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक आम इंसान होकर भी 20वीं सदी के नायक के रूप में अपनी गाथा लिख दी। 14 अप्रैल 1891 को इंदौर जिले के महू में बाबा अंबेडकर का जन्म हुआ था। वे हिंदू माहिर जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। स्कूली पढ़ाई में काबिल होने के बावजूद उनको और दूसरे बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता था। उनको क्लासरूम में अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। उनकी भेदभाव की सीमा इतनी ज्यादा थी कि अगर उन्हें प्यास लगती थी तो ऊंची जाति का बच्चा उनके हाथों पर ऊपर से पानी गिराता था और वह अपने हाथों में लेकर पीते थे, क्योंकि उनको ना तो पानी को और ना ही पानी के बर्तन को छूने की इजाजत थी। इन सब के बावजूद उनकी उपलब्धियां और सराहना देश विदेश में बढ़ती गई। उन्होंने दलितों और महिलाओं को समाज में अधिकार और स्थान दिलाया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने अपने विचार और कर्म से समाज को जो दिया वो पूजनीय है। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उनके एक ब्राह्मण टीचर महादेव अंबेडकर को उनसे खासा लगाव था। उनके कहने पर ही उन्होंने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर था। महार सत्याग्रह, जो 1927 में भारत के महाराष्ट्र के महार शहर में हुआ था, इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में खड़ा है। महार की जो झील थी, वहां पर अछूतों को पानी लेने की इजाजत नहीं थी। महार सत्याग्रह पानी पीने के अधिकार के साथ साथ इंसान होने का अधिकार जताने के लिए भी किया गया था। और क्या हम ये जानते हैं, तिरंगे में दिखने वाला नीले रंग का अशोक चक्र का आइडिया भी बाबा साहेब अंबेडकर का ही था। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अस्तित्व में आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अंबेडकर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की उपलब्धियां अनगिनत है। उन उपलब्धियों को थोड़े से शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। धन्यवाद।